अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान बंधु, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, आपको कीटाणु नाशक घास को खाने वाला, मच्छर और माछी को भगाने वाला एक ऐसा मलहम बताऊंगा जो कि आपको रामबाण की तरह मलहम काम करेगा। वो आयुर्वेद में मलहम है, आयुर्वेदिक मलहम है। किसान बंधु, आपकी मौसी को कहीं कट गया है, फट गया है, या आप मौसी में कीड़ा पड़ गए हैं, घाव हो गया है, घाव के चलते कीड़ा पड़ गया है, कीड़ा के चलते मवा जा रहा है, मवा दुर्गंध रहित है, या आपके मौसी का थन में इन्फेक्शन हो गया है, थन में दाना दाना दिया, पूरा थन फट गया है गाय या भैंस का, या थन कट गया है, या चीरा लग गया है, किसी तरह का भी घाव हो, कहीं भी घाव हो शरीर में मौसी का, ये नहीं है कि शरीर में ही, थन में भी घाव हो, पेशाब के रास्ता में घाव हो जाता है कभी कभी, कहीं भी आपके शरीर में मौसी के घाव हो गया है, तो आपको आयुर्वेद में एक मलहम बताऊंगा जो मलहम आपको रामबाण की तरह काम करेगा। घाव भी सुखाएगा, कीड़ा भी मारेगा, मच्छर मच्छी को भी बढ़ने नहीं देगा, भगा देगा, घाव को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आयुर्वेदिक मलहम है। ये समझिएगा कि कौन मलहम है आपको बता रहा हूँ पशुपालक भाई, ऐसा मलहम बताऊँगा जो कि आपके मवेशी को हर घाव संबंधित कोई भी घाव शरीर में रामबाण की तरह का है, चर्म रोग हो गया है, बाल उड़ रहा है, वहाँ पर भी आप मलहम लगा दिए, कीटाणु नाशक मलहम है, कीड़ा नाशक, कीटाणु कोई भी कीटा होगा चर्म रोग उसमें भी काम करेगा। ये मलहम है हिमेक्स, ये हिमेक्स मलहम आता है, ये हिमेक्स मलहम है किसान बंधु, आयुर्वेदिक मलहम है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप थन में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगाते हैं, ये हिमेक्स मलहम है। ये हिमेक्स मलहम आपको लगाने का विधि बता देता हूँ किसान बंधु, कहीं भी आपके मवेशी को घाव हो गया है, थन में घाव हो, शरीर में घाव हो, या बाल उड़ रहे हैं, या चमड़ा में घाव हो, तो आपको नीम का पानी उबाल करके, नीम के पानी से नीम का पत्ती को उबाल दीजिएगा पानी में, गर्म पानी में उबाल करके घाव को साफ धो दीजिए, घाव जब सूख जाए तो हिमेक्स मलहम को दिन में दो बार लगाइएगा। ये हिमेक्स मलहम आयुर्वेदिक मलहम है, इसे थन में लगाइएगा, आपका बछड़ा बछड़ी दूध पिएगी तो पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आयुर्वेदिक दवाई टोटल इसमें भरा हुआ है, आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पर ही उपलब्ध है, सस्ता दवाई है, आप एक बार हिमेक्स मलहम यूज करके देखिए, आपका मवेशी को कोई भी शरीर पर साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी घाव हो, कीड़ा रहित घाव हो या इस तरह का घाव हो, कोई भी घाव हो आप लगा के देखिए, ये रामबाण की तरह काम करेगा। किसान बंधु, अगले बार फिर आऊँगा, पशु संबंधी बीमारी के विषय में बताता रहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।